वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सदिश का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। इसको हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में हम पूरा सदिश पढ़ा चुके हैं। प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो, इंग्लिश में सदिश पूरा हो गया है। हिंदी में ये चौथा लेक्चर है, 2-3 लेक्चर और आएंगे, सदिश इधर भी पूरा हो जाएगा। फिर आपको फिजिक्स में कभी सदिश की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी लाइफ में नहीं होगी, पक्का यकीन मान लो। अगर आप सारे लेक्चर्स मेरे देख लोगे सदिश के या किसी भी चैप्टर के, तो उस चैप्टर में आपको कभी कोई कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाली, ये पक्का है। देखिए, सदिश वेक्टर्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। आज हम इसका पढ़ रहे हैं सदिशों का गुणा कैसे किया जाता है। ठीक, सदिशों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वास्तव में सदिशों का गुणा करने पर या तो हमें सदिश राशि प्राप्त होती है या अदिश राशि प्राप्त होती है। इस आधार पर सदिशों के गुणा को 2 तरह से परिभाषित किया जाता है। मैंने पहले से बोर्ड पर लिख के रखा हुआ है, एक होता है अदिश गुणन, एक होता है सदिश गुणन। अगर क्या हो, सदिश में सदिश का गुणा करने पर सदिश आ जाए तो वो होता है सदिश गुणन, और सदिश में सदिश का गुणा करने पर अदिश भौतिक राशि आए तो वो होता है अदिश गुणन। मतलब क्या, एक सदिश को जब हम दूसरे सदिश में गुणा करते हैं तो अदिश राशि भी आ सकती है, सदिश राशि भी आ सकती है। अगर अदिश आती है तो वो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कहलाता है या अदिश गुणन कहलाता है, और अगर सदिश राशि आती है, वेक्टर आती है, तो वो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब कैसा, इसमें क्या होगा, एक सदिश को हम दूसरे सदिश से गुणा करेंगे और आंसर में आएगा अदिश। क्या बोले, अगर एक सदिश राशि का दूसरे सदिश राशि में गुणा करने पर एक अदिश भौतिक राशि प्राप्त होती है तो सदिशों का यह गुणनफल अदिश गुणन कहलाता है या अदिश गुणनफल कहलाता है। और अगर क्या हो, सदिश में सदिश का गुणा करने पर फिर से एक सदिश राशि आ जाए तो यह कहलाता है सदिश गुणनफल या वेक्टर प्रोडक्ट। इसको निकालने का जो सूत्र है वो ये होता है, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है ये, और इधर पे होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक, तो इसको तो हम अगले लेक्चर में लेने वाले हैं, काय को सदिश गुणनफल को हम अगले लेक्चर में लेने वाले हैं। इस लेक्चर में आज हम केवल इसकी कुंडली खोलेंगे, किसकी, डॉट प्रोडक्ट की। तो इसके लिए अभी अब मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, आपका केवल परिचय करा दिया कि सदिश में सदिश का गुणा करने पर अगर सदिश राशि आएगी तो उसे सदिश गुणनफल कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम अगले लेक्चर में लेंगे। आज हम पूरा थोरो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट। इसका सूत्र यह होता है, दो सदिश राशियां हैं, दो सदिश हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका डॉट प्रोडक्ट इतना होता है। ए क्या है भाई, ए है वेक्टर ए का मॉड, यानी वेक्टर ए का परिमाण है या मापांक है या आंकिक मान है, सबका इनका मतलब एक ही है। ठीक है, बी क्या है, बी क्या है, ये वेक्टर बी का मॉड है, यानी वेक्टर बी का परिमाण, वेक्टर बी का मापांक या वेक्टर बी का आंकिक मान। थीटा क्या चीज़ है भाई, थीटा क्या चीज़ है, थीटा है वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का, इनके बीच का कोण है थीटा। ठीक, समझ में आ रही बात, कैसे, जैसे एक कोई वेक्टर यहाँ जा रहा है, दूसरा वेक्टर यहाँ जा रहा है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इतना होता है। अभी हम थोड़ी देर बाद इसका ज्यामिति अर्थ समझेंगे पूरा, फुल डिटेल में, फुल विस्तार से। अगर आपको पढ़ने की लगन है, अच्छा सीखने की लगन है, तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद क्या करोगे, फैन नहीं, आप कूलर हो जाओगे, आप एसी हो जाओगे, आप कहोगे अनिल सर का पढ़ाना बहुत दमदार है, बहुत सुपर है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाया सर ने। ठीक है, तो इसको अभी हम क्या करेंगे, ज्यामिति अर्थ देखेंगे। अभी उसके पहले आप इसका मीनिंग देखिए थोड़ा सा, है ना, दो सदिशों का
गुणा करने पर अगर एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो सदिशों के ऐसे गुणन को उनका अदिश गुणन कहते हैं। परिभाषा समझ में आई? यदि दो सदिश भौतिक राशियों का गुणा करने पर एक अदिश भौतिक राशि प्राप्त होती है तो उनके इस गुणनफल को अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट या डॉट गुणन या कई बार इसको बिंदु गुणन भी कहते हैं। कुछ कुछ किताबों में लिखा रहता है बिंदु गुणन। क्या लिखा रहता है? बिंदु गुणन लिखा रहता है। बिंदु, इसको बिंदु लिखते हैं, ये डॉट डॉट इसको बिंदु कह देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? उदाहरण आपको फिजिक्स में कहाँ मिलते हैं इसके, देखिए जरा। जैसे कार्य है, कार्य बराबर होता है बल गुणा, इधर को लिखें, उधर दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट में देख लूँ कहाँ तक का दिख रहा है पीछे से। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, इधर तो दिख रहा है भाई, है ना, इधर तक दिखेगा। हाँ, उदाहरण है जैसे कार्य है, कार्य कैसे निकलता है, बल और विस्थापन का गुणा करके, गुणा करने पर कार्य आ जाता है। तो वास्तव में कार्य कैसी भौतिक राशि है? कार्य है आदेश। कैसी है? आदेश। बल कैसा है? बल सदिश है। विस्थापन भी कैसा है? सदिश है। यानी दो सदिशों का गुणा करने पर एक अदिश राशि प्राप्त हो रही है तो हम क्या कहेंगे? कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणन होता है। मतलब हम इसको ऐसा कह देंगे, कैसा? एफ डॉट डी, डी हो गया विस्थापन, और इसी को जब खोल के लिखेंगे तो ये क्या होगा? एफ डी कॉस थीटा। समझ में आया बच्चों? अरे समझ में आया, आया ना? कमेंट करते चलो थोड़े, बीच बीच में लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, थोड़े थोड़े कमेंट करते चलो भाई, बीच में लिखते चलो थोड़ा, हाँ बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो कार्य उदाहरण है क्या का? सदिशों के अदिश गुणन का। ठीक, एक हम इसी में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे शक्ति, एक भौतिक राशि हम पढ़ेंगे शक्ति अभी इलेवेंथ में। तो शक्ति वास्तव में क्या होगा? बल और वेग का गुणा करने पर प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त होगी। प्राप्त होगा बोलेंगे तो ऐसे लगेगा राहुल गांधी सोनिया गांधी हिंदी बोल रही हैं, है ना, ये लोग हिंदी बोल रहे हैं। शक्ति प्राप्त होगी, बल का और वेग का गुणा करने से क्या होगा? शक्ति आएगी। और बल है सदिश राशि, वेग भी है सदिश राशि, और शक्ति है अदिश राशि। मतलब इसको कैसा लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे। मतलब इसको खोलेंगे तो कैसा आएगा? एफ वी कॉस थीटा। तो ये तो आप देखोगे इलेवेंथ क्लास में, ये भी कहाँ देखोगे? इलेवेंथ क्लास में देखोगे। ठीक है, ट्वेल्थ क्लास में आप एक उदाहरण देखोगे, वो भी बता दे रहे हैं, ट्वेल्थ क्लास का भी बता दे रहे हैं, है ना। ट्वेल्थ क्लास में आप देखोगे विद्युत फ्लक्स, क्या देखोगे? विद्युत फ्लक्स, ट्वेल्थ क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। तो ये होगा ई डॉट डी एस या ई एस, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल होगा, ई एस कॉस थीटा, ये आदि, है ना। तो आज हम जो कुछ यहाँ समझेंगे, इनके बारे में समझेंगे, जो इसका मीनिंग जानेंगे, वो सब यहाँ ऑटोमेटिक अप्लाई होगा सब जगह पे। कार्य में वही सारे वो होगा जो यहाँ पे हम समझेंगे, शक्ति में वो सब होगा जो हम यहाँ समझेंगे, विद्युत फ्लक्स में वो होगा, चुंबकीय फ्लक्स है, ऐसे बहुत सारे। ठीक, तो यहाँ अब आप ध्यान से समझिएगा। चलो भाई, हाँ आते हैं स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस लेते हैं, काहे के अदिश गुणन के स्पेशल केसेस, विशेष स्थितियाँ या विशेष परिस्थितियाँ। अदिश गुणन का सूत्र क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। क्या पढ़ रहे हैं हम? स्पेशल केसेस, विशेष स्थितियां या विशेष परिस्थितियां। विशेष स्थितियों में क्या होगा? अभी क्या था? वेक्टर ए था, यहां कहीं वेक्टर बी था, इनके बीच में कोण थीटा था। हमने कहा पहली बात कि यदि थीटा बराबर जीरो डिग्री, इस बात का क्या अर्थ है? यदि थीटा जीरो डिग्री है, इसका क्या अर्थ है? कि दोनों सदिश एक ही दिशा में आ गए हैं। यदि थीटा जीरो डिग्री
अर्थात क्या दोनों सदिश समान दिशा में हों, एक ही दिशा में आ गए, अर्थात इनकी दिशाएं कैसी हों, दिशाएं समान हों। ठीक, तो क्या होगा बच्चों, तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी कॉस जीरो डिग्री और इसका मान होगा एक, और जो होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कॉस का मान कभी नहीं होता। अगर हम बोलें कि कॉस तेरी औकात क्या है तो क्या कहेगा, साहब एक है हमारी औकात, है ना। कॉस की वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं होती कभी, और माइनस वन से कम नहीं होती। ठीक, तो प्लस वन से ज़्यादा नहीं होती तो ये मैक्सिमम आएगा, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आया बताइए, ए बी इंटू वन, तो ये आया ए बी, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ गया, ए इंटू बी, और ये होता है मैक्सिमम या होता है अधिकतम, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल अधिकतम कितना होता है, उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर, और कब होता है, जब समान दिशाओं में लगते हैं तो। ठीक है, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल अधिकतम उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, एवं ऐसा तब होता है जबकि उनकी दिशाएं समान हों। बच्चों समझ में आए, ऐसे ही जब हम कार्य निकालेंगे तो बल गुण विस्थापन करेंगे, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में आएंगे तो सबसे ज़्यादा कार्य होगा। ठीक है, समझ गए होगे बच्चे, बहुत अच्छे हैं, सब समझ जाते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है मतलब क्या है, मतलब बच्चों एक सदिश दूसरे सदिश पर लंब है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, बोलो ऐसा हो तो क्या हो, क्या हो, तो कॉस थीटा मतलब कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 यानी जीरो, और जो जाने वो है हीरो, इसलिए क्या आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आएगा, ए बी इंटू जीरो मतलब जीरो, मतलब दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है, कब, जबकि वे लंबवत होते हैं, मतलब किसी वस्तु पर बल इधर लगाओ विस्थापन अगर ऊपर को होगा तो किया गया कार्य हमेशा शून्य आएगा, याद रखना, याद रखना बच्चों। ठीक है, अब जो जो आज इधर पढ़ रहा है वो उन सब में लगेगा जो अभी हम इधर पे बता रहे थे। यदि थीटा हो 180 डिग्री, अर्थात कैसे, एक सदिश इधर को हो तो दूसरा इधर को हो, यानी अगर दोनों सदिशों की दिशाएं परस्पर कैसी हैं, विपरीत हैं, इफ़ द वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, ऐसे हो गए हैं ना, दोनों सदिशों की दिशाएं विपरीत हैं, ऐसे भी हो गए, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, कैसे, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे, ये भी विपरीत कहलाएंगे। ठीक है, अगर दो सदिश विपरीत दिशाओं में क्रियाशील हैं तो बच्चों कॉस थीटा यानी कॉस 180 डिग्री और ये होता है ऋण एक, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना आएगा, कितना आएगा, ए बी इंटू कॉस थीटा का मान ऋण एक, तो कितना आया माइनस ए बी, ये क्या आया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये होता है न्यूनतम या विपरीत दिशा में अधिकतम। समझ में आया, ठीक है, अगला केस देखेंगे, चौथा केस देखेंगे। यदि चौथा क्या, हम कुछ अच्छा ही बता रहे हैं ना, थीटा क्या हो न्यून कोण हो, क्या हो बच्चों न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जीरो डिग्री से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, मतलब कैसा हो, जीरो से बड़ा हो हमारा थीटा और 90 से छोटा हो, तो कॉस थीटा आएगा प्रथम चतुर्थांश में और ये होगा धनात्मक, ये चार चतुर्थांश पढ़ते हैं ना मैथ्स में, तो पहले में सब धन के होते हैं, दूसरे में साइन और कॉस, तीसरे में टेन और कॉट, चौथे में कॉस और सेक धन के होते हैं। ठीक, तो पहले में सारे धन के होते हैं तो ये प्लस आएगा, प्लस आएगा तो क्या होगा, इस सूत्र में जब आप मान भरोगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आएगा, कुछ भी आएगा, कम ज़्यादा 50-100 जो कुछ भी आएगा वो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा, यानी अगर दो सदिशों के बीच में न्यून कोण बन रहा है, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम का कोण है और 0 डिग्री से ज़्यादा का कोण है,
तो उनका गुणनफल हमेशा धनात्मक आएगा, कभी भी वो ऋण में नहीं आ सकता। ठीक है, पांचवी बात, यदि थीटा हो अधिक कोण, थीटा अधिक कोण हो अर्थात इस बात का मतलब है कि 90 डिग्री से बड़ा हो हमारा थीटा और 180 से छोटा हो, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, यानी थीटा हो दूसरे चतुर्थांश में, ऐसे चार बांटो तो 0 से 90 तक प्रथम चतुर्थांश, 90 से 180 तक दूसरा, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा किस चतुर्थांश में रहेगा, ये कोण किस चतुर्थांश में रहेगा, दूसरे चतुर्थांश में रहेगा, तो क्या होगा, कॉस थीटा आएगा ऋणात्मक, कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसा आएगा बच्चों, ये आएगा फिर ऋण का, कैसा, कहाँ गया भाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसमें क्या कर देंगे हम, ऋण का मान जब भरेंगे तो ये ऋण में प्राप्त होगा, ये पांचवा केस था, चौथा नहीं था। ठीक है बच्चों, समझ में आए ये स्पेशल केस। हाँ, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, बात आज देर में ख़त्म होने वाली है, आज अपन इसको पूरा फोड़ने वाले हैं, है ना, पूरी जन्म कुंडली निकाल रहे हैं अदिश गुणन की, सब कुछ समझेंगे इसके बारे में, आज के बाद कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, हाँ, आज के बाद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए, हाँ, सवाल जो हमें ज़्यादा मिलने वाले हैं वो कहाँ मिलने वाले हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप के पदों में। आई कैप क्या होता है, पिछले लेक्चर में समझाया है, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होता है आई कैप। ठीक, तो आई कैप डॉट आई कैप करो अगर आप, तो क्या होगा, सूत्र हमारा है वेक्टर जे लिखा, सूत्र तो ऊपर लिखा है ना, तो आई कैप मतलब एकांक सदिश, इसका परिमाण एक आएगा, वही दूसरे आई कैप का आएगा। ठीक, और इनके बीच में कोण कितना रहेगा बताइए, आई कैप और आई कैप के बीच का कोण कहाँ कितना रहेगा, एक आई कैप और दूसरा भी एक यहाँ को दूसरा भी यहीं को, तो इनके बीच का कोण रहेगा 0 डिग्री, तो इसका मान भी कितना हो गया 1 × 1 × 1, कैसे आए जे 3 1, सदिश ए का परिमाण तो आई कैप का परिमाण एक, दूसरे वाले आई कैप का परिमाण एक, इंटू इन दोनों के बीच का कोण का कॉस, इनके बीच का कोण कितना है 0 डिग्री है, 0 डिग्री उसका कॉस कितना आया, एक आया, कॉस 0 का मान एक आया, तो 3 बार एक एक एक, तो ये गुणा आया 1, तो आई कैप डॉट आई कैप याद हो गया आज के बाद पूरे बच्चों को, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही क्या होगा जे कैप डॉट जे कैप, और ऐसे ही क्या होगा के कैप डॉट के कैप, समझे बच्चों की नहीं समझे, समझ गए, अच्छा अब देखो आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, एक का परिमाण दूसरे का परिमाण, आई कैप का परिमाण एक, जे कैप का परिमाण एक, इंटू इनके बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, उसका कॉस, कॉस 90 का मान कितना 0, तो ये सब क्या आ गया 0, आई कैप डॉट जे कैप कितना होता है 0, क्योंकि ये दोनों सदिश एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, आई कैप इधर है एक्स अक्ष की दिशा में और जे कैप कहाँ है वाई अक्ष की दिशा में, और के कैप कहाँ है आपकी तरफ है जेड एक्स की दिशा में, तो आई और जे 90 का कोण है, जे और आई और के 90 का कोण है, जे और के 90 का कोण है, यानी अगर एक जैसे हैं तो 0 का कोण है उनके बीच में तो 1 आ रहा है, और अलग अलग हैं तो 90 का कोण है इसलिए 0 आएगा, तो आई कैप डॉट जे कैप 0 आया, ऐसे ही क्या आएगा बच्चों जे कैप डॉट आई कैप भी 0 आएगा, ऐसे ही आई कैप डॉट के कैप भी 0 आएगा, ऐसे ही के कैप डॉट आई कैप भी 0 आएगा, ऐसे ही जे कैप डॉट के कैप भी 0 आएगा, और के कैप डॉट जे कैप भी 0 आएगा, बच्चों ये सब ऐसा होगा, समझ में आ रहा है, जहाँ भी लंबवत होंगे सदिश तो उनका डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल 0 हो जाएगा, ये बात हमें याद रखनी है, अब याद नहीं हो रही तो आइए हम आपको याद करवा देते हैं, एक टेबल बना देते हैं जिससे आपको ये याद हो जाएगा सदा के लिए, सदा के लिए याद हो जाएगा, कैसा सदा के लिए देख लो भाई,
याद ना हो तो कहना, सबको याद हो जाएगा ये पूरा पूरा। ये है डॉट प्रोडक्ट, इधर हमने लिया आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। आई का आई में कर रहे हैं तो क्या आ रहा है भाई, वन आ रहा है। जे का जे में करते तो बना रहा है, और के का के में कर रहे तो बना रहा है, और कोई का कोई में करो तो जीरो आ रहा है। कोई का कोई में जीरो कैसे, आई का जे में जीरो लंबवत है, आई का के में जीरो, जे का आई में जीरो, जे का के में जीरो, के का आई में जीरो, के का जे में जीरो। समझ में आया कि नहीं? तो डॉट प्रोडक्ट आप इस तरह से याद रख लेंगे, किस तरह से कि आई कैप का आई कैप में होगा तो बनाएगा, जे कैप का जे कैप में बनाएगा, और के कैप में बनाएगा, बाकी सब में अलग अलग आएगा। इसको लिख लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अच्छे से समझ लेना। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, कैसे, अब हमें जो सवाल मिलेंगे वो इस तरह के मिलेंगे कुछ, है ना। हमसे कहा जाएगा कि वेक्टर ए कितना है, ए वन आई कैप, वी वन जे कैप, सी वन के कैप, संख्याएं हैं, है ना। फिर दूसरा सदिश कितना है, वेक्टर बी, तो ये होगा ए टू आई कैप, बी टू जे कैप, प्लस सी टू के कैप, संख्याएं हैं। और हमसे पूछा गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो, तो क्या करेंगे हम वास्तव में, इधर देखो, इधर देखेंगे सब लोग, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा। पहले वेक्टर ए का मान लिखो, लिखो ले आओ वहाँ से पूरा, ए वन आई कैप, बी वन जे कैप, सी वन के कैप, डॉट वेक्टर बी को लिखो कितना है, ए टू आई कैप, बी टू जे कैप, सी टू के कैप, हो गए। अब इसको उठाओ और एक दो तीनों में गुणा करेंगे, लेकिन कौन सा वाला गुणा, डॉट प्रोडक्ट, कौन सा करेंगे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, याद रखना, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो कैसे, ए वन ए टू, ऐसे कैसे होगा, ए वन ए टू, और आई कैप का आई कैप में डॉट कितना आएगा, वन आएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे जब, तो क्या आएगा, ए वन बी टू, और आई कैप का जे कैप में डॉट जीरो आएगा। ठीक, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये क्या आएगा, ए वन सी टू, और आई कैप का के कैप में डॉट जीरो आएगा। यानी कुल मिला के अकेला आई कैप वाला बच गया, बाकी ये दो जीरो हो गए, इसका हो गया उन तीनों में। फिर से देख लो, इसका जब इसमें किया तो आई कैप से आई कैप वन हो गया, इसका जब इसमें किया तो आई कैप से जे कैप जीरो हो गया, इसका जब इसमें किया तो आई कैप से के कैप जीरो हो गया। ठीक, संख्याएं कुछ भी हो गए तो सब जीरो हो जाएंगी। अब इसको उठाइए, तो इसका जब इसमें करोगे तो क्या आएगा, बी वन ए टू और जे कैप आई कैप का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आएगा। फिर इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा, बी वन बी टू और जे कैप डॉट जे कैप, तो इसका मान होगा एक। ठीक, फिर बी वन सी टू और जे कैप जे कैप डॉट के कैप, तो ये क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक, तो एक इसमें भी बचा, कौन सा, एक ए वन ए टू बचा, ए वन ए टू बचा है, बी वन बी टू बचा है, तो अब क्या बचेगा, सी वन सी टू बचेगा। समझ में आ रहा है ना। इस वाले को उठाओ, तीनों में कर दो, तो इसका जब इसमें करोगे तो क्या आएगा, बोलो, सी वन ए टू इंटू जीरो, सी वन ए टू, जीरो क्यों आएगा, के और आई अलग अलग हैं। फिर इसका इसमें करोगे तो सी वन बी टू जीरो, सी वन बी टू इंटू जीरो, और आखिरी में क्या आएगा, सी वन सी टू इंटू वन। देखो, इसका जब इसमें करेंगे तो के कैप डॉट के कैप का मान कितना होगा, एक होगा। ठीक, तो ये तीन जो ग्रीन कलर आपको दिख रहे हैं, हरे कलर से मैंने जो लिख दिया है, उनमें देखो जरा क्या है, ये है ए वन ए टू, बी वन बी टू, सी वन सी टू। तो मैंने आज निकाल के बता दिया, इतना बड़ा निकाल के बता दिया, आज के बाद ये कभी बड़ा नहीं निकालना है, कभी बड़ा नहीं करना है आपको। कैसे करना है, ऐसा सवाल दिया, सो जोड़े बना दो, कैसे, आई कैप का आई कैप में कर दो, जे कैप का जे कैप में, के कैप का के कैप में, काम खत्म, कहानी खत्म। कैसे, देखो, ए वन ए टू वो आया, बी वन बी टू वो आया,
सी वन सी टू आए ना, अरे आया कि नहीं, कमेंट में लिख रहे हो कि नहीं सर क्या मस्त पढ़ा रहे हो, क्यों नहीं लिखते भाई तुम लोग ऐसे कमेंट, मज़ा आता है थोड़ा ऐसा लिखते हो तो, ठीक लगता है कि हाँ भाई जिंदा बच्चे पढ़ रहे हो, जिंदा टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक हो गया ना ये। अब इसके उदाहरण देख लें, बहुत मज़ा आ जाएगा, अब भी देखो सड़े सड़े सवाल दो चार आ जाओ, अब भी कर देते हैं अपन दो मिनट के अंदर, दो मिनट के अंदर। जैसे वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, और वेक्टर बी है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। हमसे पूछा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताइए, हमने कहा आ जाइए मैदान में आ जाइए, अब तो हमसे बनता है, कैसे बनता है कर दो फटाफट। आई कैप में आई कैप का 4 3 12, जे कैप में जे कैप का 4 3 12, के कैप में के कैप का ऋण 12। अरे 12 ही 12 हो गए थे तो सब, सारे के सारे 12 ही 12 हो गए, 4 3 12 4 3 12 6 2 12 से 12 निपट गए, क्या आया आंसर 12 इकाई या 12 यूनिट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आया 12 इकाई या 12 यूनिट, ठीक समझ में आया कि नहीं आया है। आई कैप का आई कैप में करेंगे, जे कैप का जे कैप में करेंगे, के कैप का के कैप में करेंगे, बस खत्म, इतनी सी तो बात है। क्या बोले बच्चों, इतनी सी तो बात है, कितनी सी बात है, कितनी सी बात है भाई। आ जाओ एक दो सवाल और आ जाओ, छुटका छुटका से सवाल और ले लें हम एक दो। एक क्वेश्चन है कि वेक्टर ए बराबर है 5i कैप माइनस 4j कैप, और वेक्टर बी बराबर है 13i कैप प्लस 5k कैप, और हमसे कहा गया वेक्टर ए डॉक्टर वेक्टर डॉक्टर ने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो, ये हमसे कहा गया है, हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो होता है ना। आई का आई से सॉरी जे का जे से के का के से, तो देखो भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है भाई, इसमें 5i कैप, जे कैप नहीं है, जे कैप है कितना है ऋण 4j कैप धन 0k कैप। अरे नहीं समझ में आ रहा, अरे जे कैप नहीं है इसमें, क्या नहीं है के कैप नहीं है, तो 0 मान लेंगे उसको, डॉट क्या 13i कैप, इसमें जे कैप नहीं है सो 0j कैप मान लो इसको, है ना, मतलब तो वही है। अब करो आई का आई में 13 5 65, जे का जे में तो इधर ऋण 4 है, इधर कुछ नहीं है मतलब 0 है तो 0 हो गया, के का के में इधर 5 है ऊपर कुछ नहीं है माने 0 है, और इधर से देख लो आई का आई में 13 5 65, जे का जे में 0, के का के में 0, क्या आया आंसर, क्या आया बच्चों 65 इकाई आ गया। ये हो गया दो सदिशों का अदिश गुणन, ऐसे किया जाता है दो सदिशों का अदिश गुणा, समझ में आया है बच्चों कि नहीं आया, आया पक्का। तो आज हमने एक बात और सीखी है, क्या सीखा है, हमने सीखा है कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर क्या सीखा, यदि ए वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर, अर्थात थीटा कितना है 90 डिग्री, तो हमने सीखा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होता है, ठीक क्या सीखा हमने। अगर एक सदिश दूसरे सदिश पर लंब है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, और दूसरी बात उल्टी भी होती है, मतलब कैसे कि यदि डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है कि ये लंब है बी पर, या इनके बीच का कोण 90 है। बात समझ में आई, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी जैसी कि अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होगा, उल्टा भी होता है, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग है तो वो समकोण त्रिभुज होता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगती है तो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे है कि अगर दो सदिश लंब हैं तो उनके बीच का कोण 0 होता है, सॉरी दो सदिश लंब हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन 0 होता है, और यदि अदिश गुणन 0 है तो वे सदिश लंब होते हैं। दिमाग में रखोगे, अब इस पर देखो सवाल कैसे होते हैं, इस पर बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन है कि वेक्टर ए बराबर है 5i कैप धन 3j कैप ऋण 2k कैप, और वेक्टर बी बराबर है 5pi कैप धन 4j कैप ऋण 4k कैप,
और हमें दे रखा है कि ये लंब है बी पर, तो आप पी का मान ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन बच्चों? एक सदिश दूसरे सदिश के ऊपर लंबवत है, दूसरे सदिश पर लंब है, दोनों सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री है, हमें पी का मान बताना है। ठीक है, तो देखो जरा, चूंकि ए लंब है बी पर, लंब है इसलिए क्या होगा, लंब है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके डॉट प्रोडक्ट को 0 कर लेंगे। और 0 कर लिया मतलब क्या, मतलब क्या, आ जाओ जरा, आई का आई में, जे का जे में, के का के में डायरेक्ट कर दें। देखो 25 पी नहीं कर रहा है, अच्छा डायरेक्ट एक बार लिख लो, है ना, 5 i कैप धन 3 j कैप ऋण 2 k कैप डॉट b का क्या, 5 p i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 4 k कैप बराबर 0। अब i का i में, j का j में, k का k में गुणा कर दो, बस हो गया। 25 p 4 × 3 = 12 और 2 × 4 धन के, एक ऋण जे धन हो जाएगा, 12 × 8 = 20 हो गए। उस तरफ जाके जब ये पक्षांतर में उधर पहुंचेंगे तो ऋण 20 हो जाएंगे, इसलिए P बराबर क्या आएगा, ऋण का 20/25, ऋण का 4/5, 5 से कट गया कि नहीं कट गया, बोलो बच्चों। तो P का मान कितना आया, P का मान कितना आया, ऋण 4/5 आया, P का मान कितना आया, ऋण 4/5। तो बच्चों इस लेक्चर को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, अगले लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट का ज्यामितीय मीनिंग और इससे कोण और इस पर आधारित कुछ और सवाल अगले लेक्चर में शूट करेंगे, अगले लेक्चर में लेके आएंगे। आज आप लोग क्या करो, कमेंट में ये 2 आंसर लिख के बताओ हमें, क्या आंसर लिख के बताओ। पहला क्वेश्चन है कि वेक्टर ए का मान दिया है 2 p i कैप प्लस 4 j कैप और वेक्टर बी का दिया है 4 i कैप माइनस 8 j कैप और साथ में दिया है वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर, तो आप बताओ पी कितना आएगा। इसको कैलकुलेट करके कमेंट में लिखना, तो हम समझ जाएंगे आपने ईमानदारी से पूरा लेक्चर देखा है और सीखा है, देखा भी है और सीखा भी है। एक ही आंसर लिखेंगे आप, वेक्टर ए बराबर है 5 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 6 k कैप और वेक्टर बी बराबर है 4 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 5 k कैप। इसमें आप डॉट प्रोडक्ट इसका निकाल के और हमें बताइएगा कमेंट में लिख के कि सर इतना आ रहा है, और कैसा लगा आपको, कैसा समझ में आया ये जरूर लिखिएगा। और प्लीज़ 2-4 लोगों को जरूर भेज दिया करो, इसको सब्सक्राइब करवा दिया करो, ज़्यादा लोग अगर पढ़ेंगे तो हमारा भी ज़्यादा मन लगेगा पढ़ाने में, ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा होगा। ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू, लाइक करना मत भूलना, कमेंट लिखना मत भूलना। ओके बच्चों, बाय बाय।